एक तरफ कोरोना के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का कोई डर नहीं है। ऐसे लोग अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, दूसरों की भी डालकर अवैध कच्ची शराब बना रहे हैं। इस ठिकाने पर आबकारी विभाग ने दबिश दी और वहां से महुआ व लाहन जब्त किया। मामला जबलपुर के घमापुर थाना अंतर्गत कुचमुंडिया मोहल्ले का है। यहाँ से आबकारी विभाग को अवैध शराब बनाने व बेचने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग के कंट्रोलर घंटू मरावी ने टीम गठित कर दबिश दी। दबिश के दौरान कुचमुंडिया मोहल्ले में कई घरों में कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त भट्टी व 15 से ज्यादा डिब्बे महुआ लाहन पाया गया। आबकारी विभाग ने महुआ लाहन नष्ट कर प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने 1500 लीटर महुआ लाहन को नष्ट किया। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुचमुंडिया मोहल्ले में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाया जाता है, जिस पर हमने दल गठित करके और आज सुबह सुबह यहाँ पर दबिश दी है। तो सूचना अनुसार सही है कि सभी घरों में, लगभग सभी घरों में 10-10, 15-15 डिब्बे जो है तो महुआ के लाहन मिल रहा है, जिससे कच्ची शराब बनाया जा रहा है। सभी के विरुद्ध जो है तो आबकारी अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है, प्रकरण दर्ज किया। लगभग कितना लाहन वगैरह अभी तक 5 घरों की तलाशी में कम से कम 100 डिब्बे मिल चुके हैं। बहरहाल आबकारी विभाग ने पूरा महुआ लाहन को नष्ट कर प्रकरण दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज, जबलपुर।